नमस्कार, आप देख रहे हैं कारू न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी में हाई वोल्टेज सियासत की बदलती कहानी की। सबसे पहले कांग्रेस का ये वीडियो देखिए। बुधवार को प्रियंका ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। जो उन्होंने पहले कहा था वही किया। 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही। पार्टी किसानों, बेरोजगार युवाओं से अलग हटकर महिला पर क्यों दांव लगा रही है ये तो वही जाने, लेकिन प्रियंका ने क्या कहा है पहले वो सुनिए। आज तक जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज्यादातर पब्लिसिटी और कागजों में और चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ऊपर आती है, उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली जमीन पे होगा। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहां जहां मैं जाती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का और वे लड़ रही हैं। कांग्रेस कहानी बदलने को बेताब भले हो, लेकिन यूपी में मुख्य लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच ही है, ये सबको पता। मंगलवार को इसका नजारा भी देखने को मिला। पूरब में योगी और मोदी एक मंच पर थे तो पश्चिम में अखिलेश और जयंत, जिन्हें यूपी के लड़के पार्ट टू कहा जा रहा है, मंच से हुंकार भर रहे थे। हालांकि उनकी कवरेज को रोकने का खूब प्रयास किया गया। जैसे ही अखिलेश मंच पर पहुंचे नेटवर्क ही डाउन हो गया, जिसको लेकर यूपी के पूर्व आईएएस अधिकारी ने ट्विटर पर सवाल भी खड़े किए और लोगों ने भी नाराजगी जताई। पर ये बात सही थी, रैली में भीड़ बहुत थी। दूसरी तरफ मोदी योगी गोरखपुर में खाद फैक्ट्री के उद्घाटन के कार्यक्रम में थे, जहां लोगों को लाने के लिए सरकारी बसें तक लगानी पड़ी, यानी भाड़े की भीड़ से शो सजाया जा रहा था। यूपी परिवहन की 1750 बसें केवल इसी काम में लगी रही, यानी लोग दर दर भटकते रहे, बसों में भूसे की तरह भरकर सफर करने को मजबूर रहे, लेकिन बसें मोदी जी की रैली में लगी रही। अब सवाल ये है कि मोदी जी की रैली और जयंत अखिलेश के एक मंच पर आने से क्या बदला, क्या संदेश गया? सबसे पहले बात अखिलेश जयंत की परिवर्तन रैली की करते हैं। जवान के जुनून को, गरीब के सुकून को, लड़ा के खुद आवाम को, जो चूसते हैं खून को, उन आँखों में खटकती है समाजवाद टोपियां, इनकलाबी टोपियां, ये लाल रंग टोपियां, समाजवादी टोपियां, समाजवादी टोपियां, इनकलाबी टोपियां, ये लाल रंग टोपियां, समाजवादी। दिसंबर को संपन्न हुई सपा रालोद गठबंधन की रैली में उमड़े जन सैलाब को देखकर गठबंधन के नेता गदगद तो जरूर थे। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को भी विश्वास होने लगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपना पुराना परचम फहराने में पूर्णतः वो कामयाबी उनको मिलेगी। यह सब इतना आसान होगा, इसमें आशंकाएं भी हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद का लगभग सफाया हो गया था। सबसे बड़ा नुकसान रालोद को हुआ था, वह अपनी परंपरागत सीट से भी हार गई थी। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में। किसान आंदोलन पूरी तरह भाजपा विरोध में बदल जाने से विरोधी दलों इसका लाभ उठाना चाहते हैं। रालोद को इसका लाभ मिलने की अधिक संभावना है। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिले जाट बाहुल्य हैं। जाट समाज के बीच रालोद की गहरी पैठ है। रैली में जयंत और अखिलेश ने किसान आंदोलन का जोर शोर से जिक्र किया, किसानों की दशा के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यानी इस वोट बैंक को अगर ये दोनों नेता साधने में कामयाब हुए तो कहानी बन सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो वो हिंदू मुसलमान और टोपी के जाल में लोगों को फंसाने में लगी है। गोरखपुर में तो मोदी जी ने तो सपा की लाल टोपी पर ही
सवाल खड़े कर दिए थे। क्या कहा था ये सुनिए। कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। मोदी जी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश ने ट्विटर पर पलटवार किया, कहा कि बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है, महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार व स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वो ही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, यानी लड़ाई अब सीधी होती जा रही है। बीजेपी ताकत के जरिए पर्सनल अटैक से मोदी के चेहरे पर चुनौती दे रही है, तो अखिलेश को जमीनी मुद्दे से जंग जीतने का भरोसा है। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, देखते रहिए करूण न्यूज। नमस्कार।